हल्की हल्की मूंछों वाला ये टीनेजर आज बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है। सिर्फ ये नहीं, उनके घर में सुपरस्टार्स की फौज है। क्या आप इन्हें पहचान पाए? तो चलिए आगे। हल्की हल्की मूंछों वाला ये टीनेजर बॉलीवुड के एक सुपरस्टार का बेटा है और खुद भी आज बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा है। हाल ही में उनके बेटे की भी शादी हुई है। फिल्मी दुनिया में दमदार एक्शन हीरो की पहचान बना चुके इस बच्चे ने फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। उनके 2.5 किलो का हाथ की चर्चा पूरे बॉलीवुड में होती है। अब तो आप इन्हें पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये है सनी देओल के टीनेज की तस्वीर। साल 1982 में अमृता सिंह के साथ आई अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में सनी देओल को पहचान मिल गई। 1980 से 1990 के दशक में सनी ने कई सफल फिल्में की। इन सफल फिल्मों के बावजूद 1990 में आई सनी देओल की फिल्म घायल को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया था। फिल्म के लिए कई प्रोड्यूसर को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी ने सनी की इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए राजामंदी नहीं जताई। जब सनी घायल के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला, तब पिता धर्मेंद्र और खुद सनी देओल ने मिलकर फिल्म प्रोड्यूस किया और फिल्म सुपरहिट रही। सनी देओल की इस फिल्म में जमकर कमाई की और कई सारे अवार्ड्स भी जीते। सनी देओल ने घायल के अलावा घातक, गदर, त्रिदेव, अजय, हिम्मत, चोर और अंगरक्षक जैसी कई सारी एक्शन फिल्में की, जिसकी वजह से बॉलीवुड में उनकी पहचान एक एक्शन हीरो की बन गई, जो आज भी कायम है। जल्द ही उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज होने वाली है। ये अभी एक एक्शन फिल्म है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी बहुत ही छोटी सी एक्सप्लेनेशन सनी देओल की पसंद आई होगी। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।